starting from the first row, there is only one zero we will allocate, and cross off the rest of the zeros in that particular column. Second row में कोई zero नहीं है, और थर्ड रो में भी कोई जीरो नहीं है, फोर्थ में एक जीरो है, फोर्थ में दो जीरो है तो इसको भी छोड़ते हैं, और फिफ्थ रो में भी तीन जीरो है तो इसको भी लीव करते हैं. नाउ वी लुक कॉलम वाइज. पहले कॉलम में एक ही जीरो है, असाइन कर दीजिए, और बाकी की जीरो इस रो में क्रॉस कर दीजिए. सेकेंड कॉलम में एक ही जीरो है, इसको असाइन कर दीजिए, और इस रो में बाकी की जीरो को क्रॉस कर दीजिए. और बाकी उसके आगे थर्ड कॉलम में कोई जीरो नहीं है, फोर्थ में भी जीरो नहीं है, और फिफ्थ कॉलम में असाइंड हुआ हुआ है. सो अब हम लगाएंगे हंगेरियन टेक्निक, हंगेरियन मेथड. क्योंकि एलोकेशन तो हो गया है, असाइनमेंट तो हो गया है, लेकिन ऑप्टिमम नहीं हुआ. मतलब हर एक जॉब किसी ना किसी पर्सन को असाइन नहीं हुई, मतलब हर एक डे किसी ना किसी सेमिनार को असाइन नहीं हुआ. अभी भी दो बचते हैं. सो वी विल अप्लाई हंगेरियन मेथड. सो इन द हंगेरियन मेथड, टिक द रोज विच आर नॉट असाइंड. सेकेंड रो इज नॉट असाइंड, थर्ड रो इज नॉट असाइंड. After that, in the second row, which is not assigned, check the zero. Here it is zero, and tick this column. And in this column, check the assigned zero. Here it is assigned zero, so mark its row, tick its row. And in the third row, check where is zero. Here it is zero. Tick this column, which is already ticked, and tick the row of the assigned zero, which is already ticked. Now, अब क्या करना है? लाइन बनाइए अनटिक्ड रोज के अलोंग, अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम. सो इट इज द टिक्ड कॉलम. एंड व्हाट वी विल डू इन द रिमेनिंग टेबल, जहां पे कोई भी लाइन नहीं क्रॉस करी, उन एलिमेंट्स में से हम सबसे छोटा ढूंढेंगे. सो हियर द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज इज आई थिंक 60. जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं क्रॉस करी, उन एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट है 60. और इस 60 को हम उन एलिमेंट में से इस माइनस कर देंगे जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं क्रॉस करी, और उन एलिमेंट्स में ऐड करेंगे जहाँ पे एग्जैक्टली दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, जैसे कि ये जीरो, ये वाला, इनमें ऐड कर देंगे. और सब्ट्रैक्ट किन में से करेंगे? ये वाले एलिमेंट में, जिनमें से एक भी लाइन नहीं क्रॉस करी, और बाकी जहाँ पे एक लाइन क्रॉस करी है वो सेम ही रहने वाला. सो न्यू टेबल इज आफ्टर first step of the Hungarian method, it becomes 110 minus 60. 110 minus 60 is 50. 95 minus 60 is 35. 105 minus 60 is 45. 110 minus 60 is 50. And this remains unchanged, so it is 0, because only one line is crossing. 85 minus 60 is 25. 85 minus 60 again 25. 60 minus 60 is 0. This is 20, this is 0. 90 minus 60 is 30 now. 75 minus 60 is 15. 85 minus 60 is 25. And after that, 90 minus 60 is 30, and it remains same 0. Uske baad next wala aur same hi rahega. 0, 15, 10, 0. फिर भी यहाँ पे हमारा 60 ऐड हो जाएगा. सो इट इज 60. सो द लास्ट रो इज 5, 0, 0, 0, एंड हियर इट इज 60. सो दिस इज द नेक्स्ट टेबल दैट वी हैव ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हंगेरियन मेथड. दिस इज योर टेबल, और इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे? असाइनमेंट. स्टेप स्टेप वाइज असाइनमेंट करते जाना है, और चेक करते जाने के अगर साइन सारी जॉब्स हो गई हैं तो ठीक है, वरना फिर से लाइन बनाने वाला काम. सो फर्स्ट रो में एक ही जीरो है, इसको असाइन कर देंगे. सेकंड रो और बाकी के जीरोस उस कॉलम में क्रॉस कर देंगे. सेकंड रो में एक ही जीरो है, इसको असाइन कर देंगे, और इसके कॉलम में बाकी के जीरोस कट. थर्ड रो में कोई भी जीरो नहीं है, फोर्थ रो में दो जीरोस हैं, इसको छोड़ दीजिए. फिफ्थ रो में भी दो जीरोस हैं, इसको छोड़ दीजिए. फर्स्ट कॉलम में एक ही जीरो है, इसको असाइन कर देंगे, और उस रो में बाकी की जीरोस को क्रॉस कर देंगे. सेकंड कॉलम में एक जीरो है, इसको असाइन कर देंगे, और इस रो में बाकी की जीरोस को कट कर देंगे. सो अगर आप ध्यान से देखिए कितनी जॉब्स असाइन हुई है, सिर्फ चार ब्लू बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, सिर्फ चार ही जॉब्स असाइन हुई हैं. एक जॉब अभी भी असाइन होती होनी रहती है, मीन्स
एक डे में अभी भी सेमिनार नहीं हो सकता। सो वी टिक द अनअसाइंड रो, और उस रो में जो जीरो है उस कॉलम को टिक कीजिए, और उस पर्टिकुलर कॉलम में जहाँ जीरो की असाइनमेंट हुई हुई है उस रो को टिक कीजिए। सो फर्स्ट रो इज, फर्स्ट रो को टिक कीजिए। नाउ क्या करना है, मार्क लाइन बनाइए अनटिक्ड रोज के अलोंग, अनटिक्ड रोज, ये भी अनटिक्ड है, ये भी अनटिक्ड है, एंड टिक्ड कॉलम, कॉलम यही टिक किया। अब देखो ना ये लाइन सारी की सारी जीरोस को कवर कर रही है, और अब जो बाकी के एलिमेंट बचे हैं ये वाले जैसे जहां पे कोई लाइन नहीं क्रॉस कर रही, उनमें से सबसे छोटा ढूंढिए एलिमेंट कौन सा है। उनमें से सबसे छोटा मुझे तो दिख गया 15 है, सो 15 को इस बॉक्स वाले एलिमेंट में से माइनस करना है, और जहाँ पे दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं जैसे कि ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, दो लाइन क्रॉस कर रही है, ये 0 हो गया, वहां पे इसको ऐड कर देना, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। तो मॉडिफिकेशन के बाद ये टेबल बन जाएगा 15 स्मॉलेस्ट है ना, सो वील सब्ट्रैक्ट 15, 50 माइनस 15 इज 35, 35 माइनस 15 इज 20, 45 माइनस 15 इज 30, 50 माइनस 15 इज 35, एंड 0 रिमेन सेम। अब सेकेंड रो की तरफ प्रोसीड करेंगे, 25 सेम रहेगा क्योंकि एक लाइन क्रॉस कर रही है, दिस रिमेन सेम 25, दिस इज सेम 0, दिस इज 20, एंड 0 पे हमें 15 ऐड करना है, सो इट इज 15। थर्ड रो में देखेंगे, इन द थर्ड रो 30 माइनस 15 इज 15, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 इज 10, 30 माइनस 15 इज 15, जीरोस रिमेन सेम, एंड नेक्स्ट इज 0, 15, 10, 0, 60 प्लस 15 इज 75, 5, 0, 0, 0, 75। सो दिस इज द न्यू टेबल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेप ऑफ द हंगेरियन मेथड। अब इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर, असाइनमेंट करेंगे इस नए टेबल में और देखेंगे सारी जॉब्स असाइन हो गई हैं या नहीं, अगर हो गई होंगी तो हमारा काम हो गया, अगर एक आधी जॉब रह जाएगी फिर उसको असाइन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रो में एक ही जीरो है उसको असाइन कर दीजिए कॉलम में बाकी की जीरो कट, सेकेंड रो में एक जीरो है उसको असाइन कर दीजिए कॉलम में बाकी की जीरो कैंसिल, थर्ड रो में एक ही जीरो है असाइन कर दीजिए उस कॉलम में बाकी की जीरो कैंसिल, फोर्थ में दो जीरो है छोड़ दीजिए, फिफ्थ रो में एक ही जीरो है इसको असाइन कर दीजिए और उस कॉलम में बाकी के जीरोस कैंसिल। फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कीजिए, एक ही जीरो है साइन हो गया, अब बाकी सारे कॉलम्स असाइन है, सो वी हैव ऑब्टेंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट। ऑप्टिमम असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा था ये मंडे है, मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज फ्राइडे, राइट, एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स, दिस इज ऑपरेशन रिसर्च, एंड दिस वॉज मैट्रिसेस, एंड दिस वॉज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और ये हमने डमी ऐड किया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सोल्यूशन आया, यहाँ पे मंडे को डमी, मतलब मंडे को नो सेमिनार, नो सेमिनार, वाओ व्हाट अ मंडे, देयर इज नो सेमिनार ऑन मंडे, एंड ट्यूसडे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेमिनार होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये हमने असाइनमेंट किया है, वेडनेसडे को ऑपरेशन रिसर्च का, थर्सडे को स्टैटिस्टिक्स का, फ्राइडे को मैट्रिसेस का, और इसके अकॉर्डिंग मिनिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी विल सी फ्रॉम दीज असाइनमेंट जो कि ओरिजिनल टेबल में, लेट अस सी, लेट अस सी, दिस इज आवर ओरिजिनल टेबल, दिस इज आवर ओरिजिनल टेबल एंड दिस इज आवर असाइन टेबल, इसके अकॉर्डिंग जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने असाइनमेंट निकाली है इसके अकॉर्डिंग मंडे को डमी रो एंड हियर इट इज 0, सो 0, ट्यूसडे को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है 130, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 130, वेडनेसडे को ऑपरेशन रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट इज 110 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड हेयर इट इज 0, थर्सडे को
यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। उसके बाद लास्ट में फ्राइडे को मैट्रिसेस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स है 80। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 240 एंड 130, सो इट इज 370 आंसर। So 370 is the minimum number of students that will be attending the seminars. Oh, sorry, that will be missing the seminars. And this is your optimum assignment schedule. Hope you have understood the question and enjoyed the video. Thank you very much.